नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नवरात्रों में नन्नी नन्नी कन्याओं का पूजन कर श्रद्धालुओं ने दुर्गा माता की अष्टमी पर्व मनाया। जगह जगह मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। हलवा पूरी से माता को भोजन लगाया गया। दुर्गा माँ की पावन अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी प्रण लिया। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, दुर्गा माता के पावन नवरात्रों पर बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हो गए। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ माता के मंदिरों में लगनी शुरू हो गई थी। आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दुर्गा माता के जयकारे भी लगाए। अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं ने हलवा पूरी के प्रसाद के साथ दुर्गा माता को भोग लगा करके पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने नन्नी नन्नी कन्याओं को दुर्गा माता का रूप मान करके उनकी पूजा की और उन्हें हलवा पूरी का प्रसाद खिलाया। हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज माता रानी के पावन नवरात्रे संपन्न हो चुके हैं और अष्टमी के दिन उन्होंने उन नन्नी कन्याओं को माता का रूप मान करके आज उनकी पूजा अर्चना की है। वहीं उन्होंने बताया कि समाज के कई लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, जो घोर पाप है। एक ओर हम नन्नी नन्नी कन्याओं की माता के रूप में पूजा करते हैं और दूसरी ओर कई लोग कन्या भ्रूण हत्या भी करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमें भ्रूण हत्या के खिलाफ एक प्रण लेना चाहिए। आज सब लोग कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान है। सरकार द्वारा भी बेटियों को बड़ा सम्मान और मान दिया जा रहा है। वहीं लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के बेटियों के हितों के लिए कई लाभकारी योजना सरकार ने भी चला रखी है और हमें भी प्रयास करने चाहिए ताकि लोग ऐसे महापाप से बच सकें। अब देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले नमन करता हूं, मैं सत्सत नमन करता हूं और अष्टमी देवी पर हम कन्याओं का पूजन करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, भ्रूण हत्या है, और इस पे जो सरकार ने भी और हमारे समाज ने भी बल दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ, इस पर हम सब ने मिलकर काम करना चाहिए और सरकार का भी और समाज का भी और लोगों का भी सहयोग देना चाहिए इस मामले में। तो इसलिए मैं आज अष्टमी के दिन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। ये सही मायने में तो जब पूजा की जाती है अपने आत्मिक शांति के लिए की जाती है, लेकिन इसके ऊपर समझना भी चाहिए, हमें इनको आगे भी बढ़ाना चाहिए, हमें इनकी शिक्षा पर भी बल देना चाहिए, हमें इनको समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उनको जड़मूल से ख़त्म करने का प्रण लेना चाहिए। आज अष्टम है, अष्टम वाले दिन माँ माई के नाम के यहाँ पर भंडारा भी होता है। माँ माई के नाम का यहाँ पर कंजकें भी जमाई जाती हैं, सारे शहर में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में अष्टम को मनाया जाता है। सात कंजकें जमाई जाती हैं, एक लोकड़ा जमाया जाता है, लेकिन फिर भी आज पहले से समाज में बहुत फर्क है। पहले तो भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आज लोगों में समझदारी आ गई हो गए हैं समझदार। आज लड़का लड़की में फ़र्क नहीं समझ रहे बिल्कुल भी। हर घर में जहाँ भी जाओ तो लोग कन्याओं को बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं, सरकार भी मान सम्मान दे रही है। हर घर में कन्याओं को आज पूजा भी जाता है और वो आज कमी महसूस नहीं हो रही, जो आज से 10-12 साल पहले बहुत बुरा हाल हो रहा था, कन्या भ्रूण हत्या हो रही थी, लेकिन आज लोगों में समझदारी हो गई। अभी जो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, लड़का भी आज जो सेवा माता पिता दी करता आज हर कार्य में। अट्ठम वाले दिन आज हमें प्रण लेना चाहिए, हमें भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। आज आप लड़कियों को देख लिए, चाहे वो पायलट भी लड़कियां हैं, पुलिस में भी लड़कियां हैं, ऑफिस में भी लड़कियां हैं, स्कूलों में भी लड़कियां हैं, राजनीति में भी लड़कियां हैं। सरकार ने भी 33% लड़कियों का आरक्षण किया हुआ है, उनको 33% में लड़कियों को आगे लेके आ रहे हैं समाज में। हर जगह लोगों की बस पे देखो, कहीं भी देखो, हर जगह ये लिखा हुआ है लड़की पढ़ाओ लड़की पढ़ाओ। तो इसीलिए आज समाज में लड़कियों को बड़ी मान्यता दे रहे हैं। अब कहीं भी देख लीजिए, हर कार्य में लड़कियां लड़कों से आगे, पढ़ाई के क्षेत्र में देखिए 80% लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। देखिए, आज जो अष्टमी जो तिथि है, अष्टमी मतलब आठवां नवरात्र, आठवें नवरात्र में
जो पहले जैसे प्रथम नवरात्र से लेकर आठवें नवरात्र तक, पहले नवरात्र में एक वर्ष की कन्या का पूजन किया जाता है, दूसरे वर्ष में दो वर्ष की, इसी प्रकार आठवें नवरात्र आठ वर्ष की कन्या का पूजन अर्चन किया जाता है और आठ कन्याओं को भोजन करा के उसके बाद भैरव के निमित्त एक छोटे लड़के को और साथ में हनुमान जी के निमित्त एक लड़के को जिमवा कर उसके बाद उनको भोजन देकर कन्या पूरी हलवा देकर उसके भोग लगाकर फिर अपने व्रत को खोला जाता है और उसके बाद महारानी का विशेष पुण्य मिलता है, महारानी की विशेष कृपा आज के दिन होती है। जय माँ। आज अष्टमी के दिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमारी बच्ची की पहली अष्टमी है आज और बड़ा ही मन हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। कन्या देखो ये सरासर गलत है, जो लोग सोचते हैं कि अपना लड़की हो गई तो भ्रूण हत्या का जो पाप हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे घर में कन्या आई और इसका मैं कोई बयान नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छा लगा।